स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल रही हैं, उनको विदाई देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं हमारे देश की आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है और मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव को न केवल आजादी की स्मृति के साथ जोड़ा है, इसको बहुआयामी बनाया है। जो उनकी विचारने की एक नई पद्धति है, बहुआयामी पद्धति है, उसका परिचय देता है। मित्रों, मोदी जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे ये बात देश के सामने रखी, तब किसी को मालूम नहीं था किसके इतने दूरगामी परिणाम आएंगे। मगर इस 15 अगस्त को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक समग्र देश में हर घर तिरंगा के अभियान के साथ गरीब से लेकर धनी से धनी व्यक्ति तक और चपरासी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति जब जुड़ गया और देशभक्ति का जो ज्वार देश के अंदर खड़ा हुआ, उससे मालूम पड़ा कि आजादी के अमृत महोत्सव को मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाने का। आजादी के अमृत महोत्सव को जब मनाने की घोषणा की उस वक्त हमारे सामने उन्होंने 3 लक्ष्य रखे थे। एक, जो नई पीढ़ी है, युवा है, किशोर है, अभी बाल अवस्था में है, वो सभी को आजादी के कड़े संघर्ष से परिचित कराना, इस देश की आजादी के लिए 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का जो संघर्ष चला, लाखों लाखों अनामी लोग इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए, उनको इतिहास ने जो विस्मृति में डाला है, हमारी नई पीढ़ी को उनका परिचय कराना, नई पीढ़ी के मन में देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत करना, स्वतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए मन में अहोभाव खड़ा करना, ये एक लक्ष्य था। इसका दूसरा लक्ष्य था पूरे देश में एक ही भाव से 75 साल में हमने जो कुछ भी सिद्धियां हासिल की है, वो सिद्धियों का स्मरण करते हुए हमारे अंदर हमारी सिद्धियों के प्रति गौरव का भाव उठा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हर क्षेत्र के अंदर देश कहां खड़ा होगा, इसके लक्ष्य निर्धारित कर अमृतकाल मतलब 75 साल से आजादी के 100 साल तक हम देश को कहां पहुंचाएंगे, इनका रास्ता प्रशस्त। और मित्रों, जो है अमृत काल का मोदी जी ने एक समय तय किया है, वो समय आज हर भारतीय के मन में नए जज्बे और हौसले के साथ ये पड़ा है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, मेरा भारत हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वप्रथम होगा, ये लक्ष्य लेकर आज 130 करोड़ भारतीय भारत को महान बनाने की यात्रा होंगे। और इसकी चरम सीमा
हमने ये 15 अगस्त के दिन देखी, मैंने आजादी का 25 साल भी देखा है, आजादी के 50 साल का महोत्सव भी देखा है और 75 साल का भी देखा है। मित्रों, तीनों के डॉक्यूमेंटेशन के स्टडी मैंने किए। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा देशभक्ति का ज्वार शायद ही किसी देश ने इसकी अनुभूति की हो। हर घर पर, हर व्हीकल पर, हर स्थापित इमारत पर तिरंगा फहरा रहा था। बड़े शान के साथ लोग तिरंगे को फहराकर अपनी सेल्फी को अपलोड कर रहे थे। ये बताता था कि देश के जन जन के अंदर राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम और कितनी देशभक्ति की भावना थी। और आज उसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 मोटरसाइकिल सवार, कुल मिलाकर 120 लोग, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, इस देश के 75 दिन के भ्रमण के लिए निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापिस से देश की राजधानी में आएंगे। मैं सबसे पहले तो जो 120 सदस्य जा रहे हैं उनके साहस और हौसले के लिए इनको बहुत